स्वदेश न्यूज में इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं द्वारका पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वदेश न्यूज में और भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि सनातन क्या है, आप आजकल की युवा पीढ़ी को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? सरल शब्दों में सनातन का अर्थ होता है अजर अमर, जो शाश्वत है, जहाँ से प्रारंभ हुआ है, जो कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कहाँ इसका अंत है, इसे कोई नहीं जानता, और जो हमेशा रहने वाला है। अद्रोहस सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानंच सताम धर्मस सनातना। ये सनातन धर्म है जो किसी से द्रोह नहीं करता है, प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन के सिद्धांत का पालन करता है। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रीत्यस्माल लोकाद अमृता भवन्ति, भगवत पादाद शंकराचार्य केनोपनिषद की श्रुति का भाष्य करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी मात्र में दर्शन कर लेते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अमृत तत्व को यानी अमृत को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का लक्ष्य है, उद्देश्य है। मनुष्य का शरीर मिल गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए? बाकी वस्तु तो सब हमारे पीछे पीछे आनी है। मानव देह को धारण करके उस तत्व को जानना है जो 84 लाख शरीरों में दूसरे शरीर से नहीं जाना जा सकता, और वो तत्व सनातन है, हमेशा रहने वाला है। उसी को अमृत कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। इसलिए ये सनातन धर्म का पालन करने वाले सनातनी कहलाते हैं, और सनातनी ही हिंदू है। और जिस तरह से इन दिनों पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत लोगों ने सनातन पे सवाल उठाया, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? जिन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म को जड़ से नष्ट कर देना चाहिए, उन्हें यह बात समझना चाहिए कि सनातन शब्द का अर्थ वो जानते हैं कि नहीं। यदि सनातन शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं तो वह धर्म कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। शब्द का तो अर्थ होता है ना, कोई भी वाक्य निरर्थक नहीं होता। नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दस्योच्चारणम फलति, अर्थक ज्ञान विहीन शब्द का उच्चारण फल प्रदान नहीं करता। इसलिए शब्द, बोले जाने वाले शब्द के अर्थ का बोध होना चाहिए। तो सनातन शब्द ही कह रहा है कि वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो जो लोग यह कहते हैं कि सनातन धर्म के कारण देश की उन्नति नहीं हो रही है, जो लोग यह कहते हैं सनातन धर्म को जड़ से नष्ट करना चाहिए, वो कहने वाले चले गए। न जाने कितनी बार विधर्मियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने लगभग 200 साल शासन किया, और उसके पहले भी हजारों वर्ष तक हमारे देश पर दूसरे दूसरे विधर्मियों ने शासन किया। हम जहाँ के तहाँ हिमालय के जैसे अविचल खड़े हुए हैं, यही सनातनता है। सनातनम करोति सनातन परमात्मानम प्राप्नोति प्रापयति स सनातन धर्माः, ये सनातन धर्म है। हाँ, उत्थान पतन का ध्यान रखना चाहिए, इसमें ग्लानी नहीं होनी चाहिए। धर्म की ग्लानी को यानी मनुष्य में धार्मिकता की ग्लानी को, भगवान के भक्त में भक्ति की कमी को लोग धर्म की कमी समझ लेते हैं, तो धर्म की ग्लानी नहीं होती है, धार्मिकता की ग्लानी होती है। धार्मिकता में कमी आ जाती है, उतार चढ़ाव होता है। हमें सचेत होना है, सचेत होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि हम सचेत होंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो धर्म के मूल स्वरूप को समझ पाएंगे। सही कहा आपने। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी आदि गुरु शंकराचार्य की यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित हुई है, इसको आप किस, इस पहल को कैसे देख रहे हैं? एकात्मा का, एकात्मता का संदेश भगवत पादाद शंकराचार्य ने ही दिया।
अद्वैत वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया। अपनी छोटी सी अल्प आयु में, 32 वर्ष की आयु में, उन्होंने पूरे देश में, जहाँ जब लोग कहने लगे थे वेदाः अप्रमाणम्, वेद प्रमाण नहीं हैं, तब भगवत पाद आदि शंकर ने कहा वेदाः स्वतः प्रमाणम्, वेद ही प्रमाण हैं। वेदों को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को किसी का प्रकाश नहीं चाहिए, सभी को सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसी तरह से वेदों को किसी की आवश्यकता नहीं है, सभी को वेदों की आवश्यकता है, क्योंकि वेद सनातन हैं। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की रक्षा के लिए सनातन वेद राशि प्रदान की, तो वो सनातन वेद हमारे मूल हैं और उनकी रक्षा के लिए ही भगवत पादाद शंकराचार्य ने अवतार लिया, भारत में भ्रमण किया और चतुष्पीठ की स्थापना की, और वहीं से आचार्य परंपरा, शंकराचार्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। अगर हम बात करें तो महाकाल लोक स्थापित हुआ है, अब राम राजा लोक की बात हो रही है, सलकनपुर लोक की बात हो रही है, आपको लगता है इससे जो है लोगों का रुझान धर्म की ओर बढ़ेगा? नहीं, महाकाल तो आदि अनादि हैं, कोई स्थापना उनकी अभी नहीं हुई है। ज्योतिर्लिंग है तो स्वयं प्रकट हुए हैं वो तो, और हजारों साल से उनकी पूजा आराधना हो रही है। उसमें विकास कुछ किया जाता है तो धार्मिक स्थानों को पर्यटन के साथ जोड़ रहे हैं। स्वच्छता साफ सफाई रहनी चाहिए, उसका तो समर्थन है, लेकिन जो मूल पूजा व्यवस्था है, जो अर्चना की व्यवस्था है, जो आराधना की व्यवस्था है, और मूल वहाँ की जो शिल्प कलाकृति है, जो वहाँ देवताओं के स्थान हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राचीनता के प्रति हमारा आकर्षण होता है, हम इसलिए वहाँ जाते हैं। पर्यटक स्थल तो देश में बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े स्थान, कश्मीर, शिमला आदि आप लोगों को सब मालूम है, जहाँ पर्यटन के रूप में लोग जाते हैं। लेकिन ये इतना ज़रूर स्वागत के योग्य बात है कि जाने वाले यात्रियों की सुविधा होनी चाहिए, समय की आवश्यकता है, साफ सफाई होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है, पवित्रता अलग वस्तु है, स्वच्छता अलग वस्तु है। तो हमारी जो वेद शास्त्रीय परंपरा है उसमें पवित्रता शब्द का प्रयोग है, वह पवित्रता सुरक्षित रहनी चाहिए, और बाहरी जो परिसर है, जो जहाँ कोई पुरातत्वी आपकी भाषा में आर्कोलॉजी, ऐसे जो संग्रहालय हैं जहाँ पुरातत्वीय शिल्प हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वो हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। थोड़ा सा बात करूंगी राजनीति के विषय में, जानना चाहूंगी, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं, हिंदुत्व एजेंडे की बात होती है, कांग्रेस के लिए कहा जाता है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, बीजेपी को माना जाता है कि वो धर्म का कार्ड खेलती है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, राजनीति और धर्म, धर्म को राजनीति के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, हम तो किसी पार्टी के संबंध में नहीं बोलेंगे, चुनाव के संबंध में हम वक्तव्य नहीं देते हैं, तो इस पर हम उत्तर नहीं देंगे। धर्म को राजनीति के लिए यूज़ किया जाता है? बिल्कुल, राजनीति धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्म के बिना राजनीति चल ही नहीं सकती, ना तो व्यष्टिगत रूप से, ना समष्टिगत रूप से, ना परिवार के रूप से, ना गांव के, समाज के, पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा। धर्म विहीन राजनीति निरर्थक है और कभी कोई सफल नहीं हो सकता। धर्म का आश्रय लिए बिना राजनीति अधूरी है, यह बात अच्छी तरह से समझना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, वो सब धर्म का पालन करके ही ऐसा कहते हैं। भाई, जब विधानसभा में शपथ लेते हैं तो शपथ क्यों लेते हो आप? शपथ किसकी लेते हो? जिसकी आप शपथ लेते हो वो आपका आदर्श है, तो वो आपका धर्म हो गया। तो धर्म का पालन तो आप कर रहे हैं, लोकसभा में भी कर रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट में हमारे न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय में लिखा है यतो धर्मस्ततो जया सत्यमेव जयते, सब जगह लिखा हुआ है ना। तो यही तो धर्म है, पूजा पाठ करना धर्म है, ये बात सभी जानते हैं। कर्तव्य पालन भी धर्म है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, आपका क्या विचार है इस पर? हिंदू राष्ट्र का हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन साथ में राम राज्य चाहते हैं, राम राज्य होना चाहिए। तो गंगा नदी बड़ी पवित्र है और उसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी भी उसका जो पवित्रीकरण है वो नहीं हुआ है, अभी भी अपवित्रता बनी हुई है और तमाम शहरों के नदी नाले गंगा जी में छोड़े जा रहे हैं, बहुत से स्थानों पर नर्मदा जी में भी छोड़े जा रहे हैं। इन सब पर रोक लगना चाहिए। कह देने मात्र से हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा, क्या कल्पना है, क्या प्रारूप है, क्या उसका वायोलाज संविधान है, कैसे हिंदू राष्ट्र को आप सिद्ध करेंगे? क्योंकि अकेले हिंदू तो भारत में रहने वाले नहीं हैं, और बहुत से लोग भारत में रहते हैं, संविधान उनको रहने की अनुमति प्रदान करता है। तो एक व्यापक स्वरूप का पहले निर्धारण होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम उसमें सम्मत हैं, लेकिन साथ में हिंदू राष्ट्र में शासन व्यवस्था राम राज्य की होनी चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हु नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति आदि आदि जो वाल्मीकि महर्षि ने वाल्मीकि रामायण में राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया है, तुलसीदास जी महाराज ने किया है, चाणक्य ने किया है, विदुर नीति में जो प्राप्त होता है, शुक्र नीति में जो प्राप्त होता है। तो राज्ञी धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए तो प्रजा धार्मिक होगी, माता पिता धार्मिक होंगे तो उनके बच्चे धार्मिक होंगे, अनुकरण करते हैं, ये मनुष्य अनुकरणीय प्राणी है, दूसरे को देख करके उसका अनुकरण करता है। तो धार्मिक व्यवस्था होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र में। पूरे विश्व में कोई हिंदू राष्ट्र है नहीं, नेपाल था, अभी फिर से हो गया है, लेकिन वहाँ भी उथल पुथल चलती रहती है। तो बहुत सोच विचार करके ऐसे संविधान का, आज का संविधान तो अनुमति देता नहीं है हिंदू राष्ट्र की, तो पहले तो संविधान में संशोधन करना होगा। तो उसके लिए बहुत अच्छे बहुत विद्वान मनीषी लोगों की एक सभा का निर्माण किया जाए, और जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है उसका संविधान तैयार किया जाए, उसमें न्यायविद हों, शास्त्रविद हों, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हों, राजनीति के ज्ञाता हों, और हमारी जो वित्त मंत्रालय नाणा मंत्रालय है उसके जानकार हों, किस विधि के साथ देश का संचालन होगा, हमारा रहन सहन खान पान व्यवहार कैसा होगा, गौ माता की हत्या हमारे देश में हो रही है, कैसे हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करेंगे। सबसे पहले गौहत्या बंद करनी है हमें, गौ माता की पूजा। तो ये हिंदुओं के जो हिंदू होने का प्रमाण क्या है, हिंदू किसे कहेंगे, पहले क्वेश्चन तो ये उठेगा, हिंदू धर्म क्या है, कोस्ति धर्मा कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम, उसका स्वरूप क्या है, उस धर्म का पालन हम कैसे करें। तो हमारे शास्त्रों में कहा गोसु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सबई हिंदू रितिस्मृता। गाय में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, माता पिता की पूजा देवता मानकर के करता है, धन संपत्ति के लिए नहीं कि पिता का धन मुझे मिले इसलिए मैं पिता की सेवा करूं, कर्तव्य समझ करके, कर्तव्य धर्म है तब। जी एक सवाल और पूछूंगी। इन दिनों हम देख रहे हैं जो पर्ची निकाल के भविष्यवाणी करने का चलन है, बाबा जो हैं उन पर आप क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत हम टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, एक अभी मंदिरों में
जो वीआईपी कल्चर है उसको लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं। दर्शन एक से होने चाहिए, सभी को एक से दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। मनुष्य मात्र को भगवान का भक्त होकर के वो मंदिर में जाता है, छोटा बड़ा होकर के नहीं जाता है। जब आप मंदिर, हम लोग जब मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपना घर घर में छोड़ देते हैं, अपनी संपत्ति तिजोरी में छोड़ देते हैं, अपना पूरा परिवार घर में छोड़ देते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं गाड़ी पार्किंग में छोड़ देते हैं, जूता पहन के जाते हैं जूता सीढ़ी के नीचे छोड़ देते हैं। हमारे पास कुछ होता नहीं है, 100-500 रुपया होते हैं वो हम दान पेटी में डाल देते हैं, फिर हमारे पास क्या है? मनुष्य होने का स्वाभिमान, वो हम मस्तक भगवान के चरणों में रख करके सारा शरीर साष्टांग प्रणाम करके अर्पण कर देते हैं, प्रभो अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं। तो ये शरणागत होने वाला, साष्टांग प्रणाम करने वाला अभिमान कहाँ होता है मनुष्य को? यहाँ होता है। भगवान ने राजा बलि से कहा, तुमने तीन पैर धरती देने कहा, मैंने तो एक ही पैर में सब कुछ नाप लिया, अब कहाँ, अब तीसरा पैर कहाँ रखूँ, दूसरा हो गया तीसरा कहाँ रखूँ? तो बलि ने कहा, पदम तृतीयम, यहाँ सिर पर रखो, क्योंकि सारी संपत्ति, यह सारा त्रैलोक मेरा है, ये ज्ञान इसको है, ये स्वाभिमान यहाँ है, ये अभिमान यहाँ है, पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम, मेरा आपका तीसरा चरण यहाँ रख लीजिए। सब कुछ अर्पण करने वाला मंदिर जाता है, फिर वहाँ छोटा बड़ा कहाँ, सब एक से होना चाहिए। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम जाते जाते स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को आप कुछ कहना? हाँ, स्वदेश अच्छा, बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है, और चैनल का कर्तव्य है कि यथावत दर्शन कराना, और इनके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो प्रसारण आप लोग करते हैं, हमारी जो दर्शक लोग हैं वो बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का दर्शन कराना चाहिए, वो आप लोग कराते ही हैं, और हमें तो कहना है तो कराना चाहिए, और अच्छे से कराना चाहिए, क्योंकि यही संपत्ति है। माता पिता जो छोड़ के जाएंगे, वो तो ना छोड़ें तो भी बेटा कमा लेगा, बेटी कमा लेगी, लेकिन संस्कार उनको प्राप्त नहीं होगा। स्कूलों कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं है। अब इस समय माता पिता और गुरु तीन का ही महत्व है कि धर्म की शिक्षा बालकों को मिले, संस्कार और संस्कृति की शिक्षा बालकों को मिले। आपका स्वदेश नाम का प्रसारण चैनल खूब आगे बढ़े, उन्नति करे, ये हमारा द्वारकाधीश भगवान का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य, जो बता रहे थे कि सनातन वो है जो सदा रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, और साथ में उनका ये भी कहना है कि मंदिर में जो जाते हैं वो सब बराबर है, इसलिए वीआईपी कल्चर नहीं भी होना चाहिए। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठ। ऐसे ही वीडियोस को लाइक शेयर फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।